नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कढ़ा प्रसाद की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि गुरुद्वारे में मिलने वाला प्रमुख प्रसाद होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है। सबसे पहले 2 कप पानी में 1 कप भूरी शक्कर डाल के उसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके बाद 1 लोहे की कढ़ाई में 1 कप घी को गर्म करेंगे। घी के हल्का गर्म हो जाने के बाद 1 कप आटा डालेंगे और लगातार चलाते हुए उसे फ्राई करेंगे। आटे को कम आंच पर भूनना है हमें, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आटे की गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद चीनी पानी के गर्म घोल को कढ़ाई में डालेंगे और लगातार चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आटे और घी के कढ़ाई से अलग हो जाने के बाद स्टोव को बंद कर देंगे और कढ़ा प्रसाद तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसे और अतुल्य स्वाद का आनंद लें। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। कढ़ा प्रसाद में चीनी, घी और आटे को बराबर मात्रा तथा पानी की दुगनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लोहे की कढ़ाई में लगातार काट के हलवा बनाने से इसे कढ़ा प्रसाद कहा जाता है। गुरुद्वारों में प्रसाद बनाते समय बानी या वाहे गुरु का लगातार जाप भी किया जाता है। इस हलवे में गेहूं, गुड़ और घी के प्रयोग का कारण पंजाब रीजन में पाई जाने वाली फसलों की मुख्य उपलब्धता है। अब बात कर लेते हैं टिप्स की। कढ़ा प्रसाद के स्वाद के लिए कोशिश करें कि सभी सामग्रियों को सही मात्रा में ही प्रयोग करें। जाहिर सी बात है कि घर पर तो ये सिर्फ आटे का हलवा ही होता है, क्योंकि भक्ति का एडिशनल स्वाद तो गुरुद्वारे के प्रसाद में ही मिल सकता है। लोहे की कढ़ाई में प्रसाद बनाने से आप ट्रेडिशन तो फॉलो करते ही हैं, पर साथ ही साथ अपने भोजन में आयरन की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। हलवा बनाने की पूरी प्रोसेस में आटे को लगातार चलाते रहें ताकि इनमें लम्स ना पड़े। चीनी और पानी के घोल को सिर्फ चीनी के घुलने तक ही गर्म करें, उसकी चाशनी ना बनाएं। पूरी प्रोसेस में स्टोव की आंच को लो मीडियम रखकर ही प्रसाद बनाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।